नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी, भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। चारों तरफ से घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और इस जगह आम इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है। और आज पहली बार ट्राइबल इंडिया टीवी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से वो रास्ता है, घने जंगलों में जाना है जहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सोए थे और मुखबिरों के सूचना पर अंग्रेज यहाँ पहुँचे और उनकी गिरफ्तारी हुई। आज ट्राइबल इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है। मैं मनोज सरन आप तक ये पहुँचा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहाँ पर विश्राम कर रहे थे। अब हम पहुँच चुके हैं सांकरा में, उस घने जंगलों में, और यहीं से कुछ दूरी पर है वो स्थल जहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्राम कर रहे थे और अंग्रेजों ने गिरफ्तार की। काफ़ी गर्मी है, मुझे जैकेट भी उतारना पड़ा। और ये देखिए कि वो स्थल, और हमारे बिरसायत भाई भी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे। हमारे सामने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी खड़े हैं बिरसायत, जो हमें आगे तक लेकर जाएंगे, उस स्थल तक पहुँचाएंगे। वैसे तो प्रकृति के बीच बहुत आनंद आता है और ये देखिए खूबसूरत प्रकृति है। कहाँ पर बिरसा मुंडा विश्राम कर रहे हैं वहीं हम पहुँचने जा रहे हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, ये चूँकि अब 150 वर्ष हो जाएंगे। और ये देखिए वो अद्भुत नज़ारा, धरती आबा हमारे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी यहाँ लगी हुई है। नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष दिन है, खास दिन है, आपको एक बहुत ही अद्भुत जगह का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। उस जगह को दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा है, आपको रूबरू कराएंगे सच्चाई से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक उलगुलान किया और महज 25 वर्ष के उम्र में शहीद हो गए। 15 नवंबर को उनकी जयंती है और इस बार 15 नवंबर 2024 को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये पूरे आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात होगी। ये पूरे हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात होगी कि धरती आबा की 150वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जाएगी
और ट्राइबल इंडिया टीवी की ये कोशिश रही कि धरती आबा जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उलगलान किया, उस जगह को हम दिखा सके, बता सके जहां पर महज 500 रुपए के लिए मुखबिरी की गई, अंग्रेजों को सूचना दी गई और युवा माटी के जो सपूत थे, जो जननायक है, जो आदिवासियों के भगवान है, उन्हें इसी स्थल पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और यहीं से उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। हम ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सच्चे अनुयायी हैं और आज भी उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। उन्हें कहते हैं बिरसाइयत, बहुत ही सादा जिंदगी, रहन सहन और उनकी वेशभूषा बहुत ही साधारण है और हमने उनसे संपर्क किया कि आप हमें उस अद्भुत जगह जो पवित्र स्थल है वहां ले जाइए ताकि देश दुनिया देख सके कि धरती आबा को अंग्रेजों ने कहां पर गिरफ्तार किया था। और आज वाकई जब हम यहां पर पहुंचे संकरा में, घने जंगल है चारों तरफ, घाटी है, इस जगह पर आम इंसान तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब यहां पर पहुंचते हैं तो एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है और उस वीर गाथा की जो उस समय घटनाक्रम थी कुछ महसूस होता है और पूरे शरीर में सिहरन होता है कि किस तरह से युवा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकी थी, लड़ाई लड़ी थी और किस तरह से शहीद हो गए। आज आप गौरवान्वित महसूस हो, 150 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं उनके जयंती में, तो आप उन्हें याद करें और बड़े फख्र से करें और देखें कि वो वही स्थल है, यही स्थल है जहां पर धरती आबा विश्राम कर रहे थे, लेकिन किसी अपनों ने उन्हें 500 रुपये के लालच में धोखा दिया और वो अंग्रेजों के सिकंजे में फंस गए। और यही गुजारिश कि धरती आबा ने जो उलगुलान छेड़ा था, जिस तरह से उन्होंने मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, उसका भी हम सब अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे और उस बताए हुए मार्ग पर आगे चलते हुए हम उनके नाम का, उनके काम का लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक पत्थरगढ़ी की गई है, शहीद बिरसा मुंडा लिखा गया है, गिरफ्तारी दिवस तिथि 2/2/1900 और ये बिरसाइयतों ने, ग्रामीणों ने इसका उद्घाटन किया 2/2/1999 को और ये वो जगह है, ग्राम बोलते हैं, गांव है ये संकरा और यही वो स्थल है। देखिए, आपको दिखाएंगे कितना घना जंगल है ये और यहीं पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्राम कर रहे थे और मुखबिरों की सूचना पर दबे पांव अंग्रेज यहाँ पर पहुँचते हैं और जो जननायक है, जो महापुरुष हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ पर गिरफ्तार करते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ ट्राइबल के जो संवाददाता हैं मनोज सरन, इस दुर्गम स्थल पर पहुँचे हैं और साथ दिए हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसाइतों ने, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन ये अद्भुत नज़ारा पूरे देश दुनिया के लिए, तमाम आदिवासी समाज के लिए कि आप देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी में ये एक्सक्लूसिव कि ये वो स्थान है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, आप पहली बार देख रहे हैं, यहीं पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये वो विहंगम दृश्य है। राजधानी रांची से पश्चिमी सिंहभूम की ओर बढ़ते हैं बनगांव, घाटी को पार करते हैं, तराई तरफ जाते हैं और फिर घने जंगलों के बीच, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, सुदूरवर्ती इलाके में जाना पड़ता है,
सबके बस की बात नहीं, आम लोगों का तो लगभग यहाँ आना जाना नहीं है और जानकारियाँ भी नहीं है। और ये ट्रैवल इंडिया टीवी जो है पहली बार वो उस स्थान को दिखा रहा है, और आप गर्व कीजिए, फख्र कीजिए उस जननायक का, उस महान सपूत का जिन्होंने एक उलगुलान किया जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और किस तरह से जब उस समय संसाधन नहीं थे तब वो जंगलों में विचरण करते थे, बैठ के करते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, और अंग्रेजों ने उन पर 500 रुपए का इनाम रखा था, और मुखबिरों ने वही 500 रुपए, महज 500 रुपए के लालच में जब धरती आबा यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, तभी उन मुखबिरों के सूचना पर अंग्रेज आते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। हे भगवान बिरसा मुंडा, इसिंग अले, इसिंग अले, अमा अमा दिकु को द्वारा ते ने जगह रे, ने जगह रे, गीती में कन समय रे, गीती कन समय रे, लुडू कन समय रे, लुडू कन समय रे, दिकु को अंग्रेज, दिकु अंग्रेज, दिकु साहब को, दिकु साहब को ती ते, ती ते, अम अम ने टावत गे, ने टावत, सबके मको तोलके मको दो अले इसिंग, अले इसिंग ने हगको, ने हगको ने अमा हुन को, अमा हुन को, अमा आ अमा इन गिरफ्तारी जगह, गिरफ्तारी जगह हिजु क्याते, हिजु क्याते अले अमता ते, अमता ते आसी तिनले, आसी तिनले मंगनी तिनले, मंगनी तिनले अले ओ, अले ओ अम लिकगे, अम लिकगे पेड़े उमलेम, पेड़े उमलेम दाढ़ी उमलेम, नी उमलेम गुण उमलेम, गुण उमलेम तो ज्ञान उमलेम, ज्ञान उमलेम ने दिसुम रे, ने दिसुम रे हम ओकोना उड़ू, गुना उड़ू ओकोना विचार को, ताइकिना इन कामी को, जो काम पूरे दड़ी दे, पूरे दड़ी दे इना को, इना को आले, आले ने सरे अकन, ने सरे अकन अमा हुन कुते, अमा हुन कुते आले, आले इन कामी को, इन कामी को पूरे दड़ी के ले, पूरे दड़ी के ले देंगा दड़ी के ले, देंगा दड़ी के ले इना मेंते नेयारा नथिंग ते, नेयारा नथिंग ते हर समाज रेन, हर समाज रेन हर जाति रेन, हर जाति रेन मानवा हुन कुलो ते, मानवा हुन कुलो साथ साथ रे, साथ अमा कामी ले, अमा कामी दड़ी के, कामी दड़ी इन लिकन, इन लिकन आशीष वरदान, ने ने होड़म रे, ने होड़म रे ने आत्मा रे, ने आत्मा रे सुबेर को जीवन रे, सुबेर को जीवन हम गे आबा, हम गे आबा बोलो जनाते, बोलो जनाते सोड़ो जनाते, अमा कामी कुले, अमा कामी कुले पूरे दड़ी के ले, पूरे दड़ी के मार रबा, मार रबा ट्रैवल इंडिया टीवी द्वारा मनोज जी आप आए हैं, आपकी द्वारा दुनिया को दिखाया जा रहा है ये वास्तविक जगह जहाँ पर यही सच्चाई है, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है और ये सच्चाई हम लोग को दिखा रहे हैं। इसी जगह से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके ले गया है। आप बिरसाइत धर्म को मानते हैं? जी हाँ, मैं बिरसाइत धर्म को मानते हैं और कई पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। ये बताइए कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो गिरफ्तारी हुई थी वो क्या यहीं पर हुई थी? क्या सच्चाई है उसे आप हमें बताएं ताकि देश दुनिया पहली बार देख सकेगी कि धरती आबा को अंग्रेजों ने कहाँ गिरफ्तार किया था। तो भगवान बिरसा मुंडा जो द्रोणबारी बुरु के लड़ाई के बाद जो वहाँ से भाग कर निकले तो सीधे इस रोकतो संकरा जंगल में आया। उसके बाद गुप्त सूचना के अनुसार धीरे धीरे सिपाही उनका खोज करने में लगा और उन लोग को ऐलान कर दिया कि 500 रुपया जो बिरसा को बताएगा 500 रुपया देंगे। इस तरह से प्रलोभन दे करके यहाँ गांव देहाते लोगों को के साथ बातचीत हुआ। उसके बाद दो लोगों ने उनका पता चला कि बिरसा रोकतो जंगल में रह रहा है, इसके कारण और सिपाही लोग इधर कोटागढ़ संकरा होके आया, कुंद्रगुटी होके और इस जंगल में पहुँच गए। पहुँचने के बाद पूरा पता चला कि इधर ही बिरसा मुंडा रह रहा है। अभी शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम से ही उनका पीछा किया तो शाम को इसी यहाँ पर जो अभी पत्थर गड़ा हुआ है इसी जगह सोया हुआ था। इसी जगह मैंने पूरा यहाँ से चारों तरफ पुलिस अंग्रेज शासन लोग घेर लिया
उसके बाद यहीं सिद्धार्थी आबा बिरसा मुंडा को पकड़ के ले गया। उसके बाद बंदगांव प्रखंड में जो सोसोकुटी बंगला के नाम से जाने जाते हैं, जो बंदगांव प्रखंड के ऊपर में है, वहाँ पर रखा गया। यहीं से उसको पकड़ करके 500 रुपये लालच दे करके यहाँ से भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ के ले गया। यहाँ पर जो जिस तारीख को गिरफ्तार किया गया है 2 फरवरी 1900 ईस्वी को यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया। उसी की याद में हम लोग गिरफ्तार दिवस के या शहादत दिवस के रूप में मनाए जाते हैं हर एक साल। सिंह अपने संकरा हतुरे ट्राइबल इंडिया टीवी मनोज हिजुकने इनिया द्वारा तक इसिंग नेता आ जो बिरसा मुंडा जो गिरफ्तारी होबा लेना अंग्रेज को माध्यम थे इना इसिंग सच्चाई अले ने मनोज और टीवी चैनल माध्यम ते अले गोटा दिसुम रे होड़ो कालो दुब सनल तना ची इसिंग सच्चाई उकुवे के ना बुआ थे लरे मैं दो सनार्थी का जितने ना अले एंटाउन ले जीवो थे ची ने एंटाउन रगे नेता रगे बिरसा मुंडा गीती एक समय रे अंग्रेज को द्वारा मने ने हतुरन होड़ो को गए 500 टका लालच अंग्रेज को इनाम को जोगाव केदा एन लोभ रेखाते अब आदिवासी मुंडा को एन बिरसा मुंडा साब ते अब होड़ो को आते अब होड़ो बो साब रखे किए इना मेंते इसिंग नेटाव अलल हिजु तेबा आकना हा नेया एन दो 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 तारीख यानी 2 फरवरी 1900 ईस्वी रे माने निया घटना होबलना इना मेंते अले इसिंग नेता आते इना के दुनिया रन होड़ो को अब इसिंग ने मनोज वा टीवी चैनल माध्यम ते गोटा दुनिया रे को इतुई के हाँ ने बोले रखे को मैंने अल उड़ उतदे हाँ साथ रे ने टाउन रे आया गिरफ्तारी होबा जान बाद रे नेता आते डायरेक्ट इदिकिए को अब उन्हें चक्रधरपुर सिंभू में जैसे रांची हो रहा तो रांची हो रहा बीच रे मत में अब बंदगांव इतना इनकन जगह तना यानी 600 कोटी डाक बंगला यानी ब्लॉक बगल रे मिना नेता तो सबकी तो संजा लौटे इंतार हो रहा आयुब जिन को आयुब जिन बाद रे बिरसा मुंडा एन 600 कोटी डाक बंगला रे मत निदे को जोगाव लिए जैसे कि आंग जाना थोड़ा सेता आको रांची जेल को इदी किए तो रांची जेल रे कि आया कुछ कारण बस होबा जाना आको को मैंने चाहिए हैजा को मैं जाना लेकिन जारो मकी इतने बिरसा मुंडा को गोया लिए। ये वो लॉकअप है जहाँ पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को हिरासत में लेकर इसी हाजत में बंद किया गया था। अंग्रेजों की जमाने का बना हुआ है ये छत है बाहर और ये देखिए। हालांकि अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई चीज़ अंकित नहीं है, उपयोग भी नहीं है, जाले पड़ चुके हैं मकरे के। ये देखिए धूल फांक रहा। रांची जेल का वही कोठरी है जहां पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था। यहीं भगवान बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली। आज इस स्थान पर बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाया गया है। इस कोठरी को सहेज कर रखा गया है, उनकी यादों को
उनकी जो गतिविधियां रही है उसे सहेजा गया है। अभी हम लोग हैं यहाँ सोसोकुटी डाक बंगला यानी ब्लॉक में, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं दूसरा स्टैचू यानी हथकड़ी लगा हुआ है। ये इसलिए दिखा हुआ है कि 2 फरवरी को संकरा में गिरफ्तारी इसका हो गया, तो लाते लाते अंग्रेज लोग शाम हो गया, जैसे ही बंदगांव पहुंचा सूरज ढलने लगा, तो इन लोग का साथ कैंप भी था, तो इन लोग एक रात रुका। इसलिए हम लोग इस चीज़ को हमेशा के लिए जुग जुग रहे बोल के यहाँ 3 फरवरी के लिए, अब यहाँ हम लोग 3 फरवरी को गिरफ्तारी विरोधी दिवस के रूप में हर साल मनाते आ रहे हैं और हमेशा मनाएगा। हर साल 3 फरवरी को गिरफ्तारी विरोध दिवस मनाते हैं? जी हाँ। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ मतलब अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने गिरफ्तारी तो करके यहाँ रखा ही रखा, तो अब विरोधी के माध्यम से ही हम लोग मना रहे हैं कि खुशी का माहौल नहीं है, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि क्या हम लोग का जन नायक को यानी बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया। वो गुस्सा है आप लोग? हम लोग को गुस्सा है, इसीलिए मैंने अब तो गुस्से में ही हम लोग मना रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब किया तो कारण तो वही लोग जाने। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन। धन्यवाद।